हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग हम चालू कर रहे हैं निहाल के साथ। और सोयाबीन की बरी मंगाई है हमने जो कि फ्लिपकार्ट से। तो ये सोच रहा है खाने का कोई कुरकुरा है, तो कुरकुरा मतलब जो बच्चे खाते रहते हैं वो कुछ ऐसा कुछ समझ रहा है, तो ये मांग रहा है मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो हमने सोचा इसको रिएक्शन देखते हैं ये खाने के बाद कैसा करता है। तो ये अब हम इसको कुरकुरा खिलाने वाले हैं। बहुत देर से परेशान कर रहा था। ये देखो, ये ले, ये देखो, इसमें होता है प्रोटीन भरपूर मात्रा में दोस्तों। लगभग 100 ग्राम में 47 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। चल खा के बता। ये देखो बॉडी बना रहा है ये भी हमारी तरह। बॉडी बता, बॉडी आगे हाथ करके। ये देखो दोस्तों, ये देखो, प्रोटीन खाओ और बॉडी बनाओ। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारा मोबाइल था ख़राब। अब हमने मोबाइल सुधरवा लिया है। हम आए बैरागढ़ वाले घर, तो अब हम करेंगे पुताई और मिलते हैं हम आपको पुताई करते हुए। दोस्तों पुताई से पहले ये हम चौथी मील ले रहे हैं, हमारी कड़ी और दलिया। तो हमने पहली मील ली थी केले, जो कि प्री वर्कआउट में लिया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्री वर्कआउट पिया और फिर वर्कआउट करा। और आज हमें सिखाया आकाश ने उसका डांस, जिसको बोलते हैं क्रैम्प, ऐसा कुछ है। धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे सीखेंगे हम आपको बताएंगे। और अभी तक हमने आकाश को आपसे मिलवाया भी नहीं है, मिलवाएंगे। और अभी हमें बैरागढ़ वाले घर पुताई करने आए हुए हैं। और दूसरी मील में हमने खाया दूध, दलिया, थोड़ा सा शहद और थोड़े से उसमें केले डाले। और तीसरी मील में हमने लिया था दही। और अब हम खा रहे हैं हमारी चौथी मील, दलिया और कड़ी। तो दोस्तों भारतीय भोजन जिसमें है प्रोटीन, हमारे साथ कड़ी जो होती है उसमें सोयाबीन भी डलता है, दही भी डलता है, सोयाबीन की बरी डलती है, दही डलता है और बेसन डलता है। भरपूर प्रोटीन होता है कड़ी में, और दलिया तो है ही फायदेमंद। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो में। दोस्तों एक बात बताना भूल गया, हम ले आए फटाका बाजार से फटाके, हलालपुर से, जो कि भोपाल में फेमस है फटाका बाजार के लिए। उसमें से अब ही हम आपको एक बम चला के बताएंगे, इसका साउंड बताएंगे, और इस फटाके की जो जो हम लाएं उसको भी बहुत जल्दी रिवील करेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए और इस फटाके का साउंड सुनिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चे इकट्ठे होने लगे हैं फटाका देख के, हमारा छोटे छोटे। हमारा निहाल बहुत दूर भाग गया है। निहाल इसको आओ चलाते हैं हम फटाका। दोस्तों हमारे रस्सी बम का साउंड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। डांस डांस कर ना, ओए डांस कर, चल ढोल ढोल बजा। यहाँ पे रस्सी बम का साउंड सुन के बच्चे हो गए पागल। तो अब रिवील करेंगे अगली वीडियो में कौन कौन से हम फटाके लेके आए। दोस्तों रस्सी बम फूटे कम से कम 15-20 मिनट हो गए, लेकिन बच्चे पागल हो गए, सही हो ही नहीं रहे ये देखो। दोस्तों हमने हमारी चौथी मील खा ली है, और अब हमने हमारे कपड़े भी थोड़े चेंज कर लिए है। जो आपको मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये सब हम पोतेंगे। और हम लाए हैं 2 किलो चूना, तो चूना भी घोलते हैं इस कसेंडी में, इस जो बर्तन दिख रहा है आपको स्टील का, इसमें। और अभी बज रहे हैं दोस्तों कितने, 4:30, हाँ 4:30 बज रहे हैं। तो हम करोद से आते आते हो गए हैं लेट। भोपाल में ही करोद है, भोपाल में ही बैरागढ़ है, भोपाल मध्य प्रदेश में, लेकिन हम जब भी 15 किलोमीटर आते आते लेट हो गए, क्योंकि हम गए जिम। जिम से आने के बाद हमने सीखा डांस, और डांस सीखने के बाद घर पे हमने करा थोड़ा रेस्ट, मील खाई, उसमें हो गए हम लेट। तो 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजे हम करेंगे पुताई। तो ये आपको दिख रहा है, ये बिफोर दिख रहा है, अभी आफ्टर में क्या दिखेगा देखते रहिए हमारे चैनल पर। तो ये ले चूना बढ़ा दे रहे हो चुकी है पुताई हमारी कंप्लीट।
देख सकते हैं आप, मैंने पीछे पहले बैकग्राउंड हमारा ब्लैक था, अब ये हमने पहला कोट कर दिया है। हो सकता है दूसरा हम कल करें या परसों करें, तो वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अभी टाइम हो रहा है लगभग के 9:30 के आसपास, तो अब हम नहा लेते हैं और चलते हैं हमारे नए घर करोत पर। दोस्तों ये हमारी लास्ट मील है, जिसके अंदर है हमारी ककड़ी, फाइबर के लिए रोटी और चावल जरूर आज हम नहीं खा पा रहे हैं। और यहाँ पे ये काय की सब्जी, अम्मी कंदूरी की सब्जी है और कड़ी है, जो कि हमने अभी इससे पहले वाली मील में भी खाई थी, और एक गिलास दूध भी पिया था पुताई करते समय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपावली आने से पहले ही मिठाइयाँ आना चालू हो चुकी हैं, जिन्हें हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि दीपावली के सीजन में खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, क्योंकि अभी हमें 3 किलो और वजन बढ़ाना है। यहाँ पे हमारे पापा खाएंगे मिठाइयाँ, देखिए ये देखो पापा मिठाई खा के बताएंगे। पापा खा रहे हैं एक मिठाई, ये क्या बात है, हमको 3 किलो और वजन बढ़ाना है दोस्तों, लेकिन हम मिठाई खा के नहीं खाएंगे, हम गुड काप जैसे चावल हुए या अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी रहती हैं आप गूगल से जानते ही हैं वो सब खाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं करोत पे हमारे नए वाले घर पे। तो दोस्तों अब हो गए हम तैयार करोत निकलने के लिए, लगभग बज रहे हैं 10:30 और हमारे साथ जा रहा है भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, टन टन, चलो। गाइस मैं और हमारा छोटा भीम पहुंच चुके हैं हमारे नए घर पर करोत पर। तो दोस्तों और हम रास्ते में से हमने खरीदी ये वाली सर्किटें, जो कि है 70 रुपए की एक, हमने खरीदी 10। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कितने रुपए की है इस टाइप की सर्किट, जो वो भी मेन दीपावली के सीजन में, हम इसको लगाएंगे रविवार के दिन अपने घर के बेजर बोर्ड पर, क्योंकि रविवार को आ रहा है हमारा बिग ब्रो। तो बिग ब्रो आएगा तो रविवार के दिन हम लगाएंगे और जलाएंगे, पटवारी साहब आ रहे हैं रविवार के दिन। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ छोटा भीम और मैं इस ब्लॉग को यहीं करते हैं खत्म। थैंक यू।